हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा धोकर के रेडी हो चुकी हूँ। चल रही हूँ सासू माँ के पास खाना वगैरह बनाने। देखती हूँ क्या बनता है। कल रात को आई थी तो यही घर ही खाना खाई थी भाभी के पास, और आज दीदी भी आएंगी, मेरी ननद। कपड़े अभी नहीं धुली हूँ तो चलूँ कपड़े वगैरह धुल लूँ। और बच्चे भी सो कर के उठ गए हैं, बस अप डाउन कर रहे हैं इधर उधर। और आज हस्बैंड जी भी आएंगे। यहाँ लाइट का सिस्टम ऐसा है कि शाम को आती है और सुबह फिर लेट तक रहेगी लाइट, 9-10 बजे तक। और नल भी आ रहा है जो अच्छा लग रहा है। अपने नहीं तो चल पिए समझ नहीं लो, डर भी खेलो। आज गुरुवार है ना। मैं यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह डाल दी हूँ। सुबह ही नहाते होने के बाद कपड़े वगैरह डाल देती हूँ मैं, और अब चलना है बारी में वहाँ पर। और भाभी लोग भी अपना काम धाम कर रही हैं, और ये हैं फ्रेंड्स जा रहे हैं छत पे, और ये है मेरा घर आंगन। अभी सुबह लाइट है तो थोड़ा उजाला है। तो चलिए चलती हूँ बारी में खाना पीना बनाने। और मैं आ गई हूँ बारी में। यहाँ पर बड़ी सुकून और शांति रहती है बारी में, अच्छा लगता है। यहाँ पर सासू माँ अपना बैठी हैं, बता रही हैं क्या करना है क्या नहीं, क्या बनेगा आज। और घर आकर मैं दुल्हन जैसी हो जाती हूँ, सर वगैरह ढक कर। और बनारस में तो अपनी मन का हूँ, चाहे जो कपड़े पहनूँ चाहे जैसे रहूँ। तो यहाँ आकर पूरी बहू लुक में रहना पड़ता है। अब चलती हूँ, दाल वगैरह चढ़ाऊँगी, खाना पीना बनाऊँगी। और वॉइस ओवर मैं ढंग से नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा गला बैठ गया है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से, इसलिए इसमें जो रियल वॉइस है मैं वही डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ बारी में जहाँ सासू माँ रहती है। देखिए हमारा बारी है, और यहाँ पर अम्मा आम छील रही है कि बैक कैमरे से दिखाऊं। फ्रेंड्स, ये है हमारा वारी, और ये है गाय भैंस बांधने के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें गाय भैंस नहीं है। और ये एक है, ये जो आप चारों देख रहे हैं इसमें चार गाड़ियाँ रहती थी, लेकिन अभी सब गाड़ियाँ बिक गई हैं क्योंकि भैया वो लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह गांव में ही हो गए हैं तो उतना चलता नहीं। नहीं पहले बालू वगैरह भैया लोग गिराते थे, तो ट्रैक्टर इसमें और इसमें, दो में ट्रैक्टर रहती थी, एक में जीप एक में ब्लोरो। जब मेरी शादी हुई थी तो सब कुछ था, अभी साल 6 महीने पहले सब एक एक ठो सभी
बेच दिया गया क्योंकि 15-16 साल हो गए थे तो सब गाड़ियाँ भी खटारा हो गई थी। और मैं आई हूँ यहाँ बारी में अम्मा का खाना बनाने, तो चलिए आपको अंदर से दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाऊं क्योंकि देखिए यहाँ पर बाइक है और ये मेरी शादी वाली टीवी, कुछ चेयर यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पे होते हैं पूजा मानी भगवान जी, यहाँ भी कुछ सामान वगैरह है। 2 दिन तक मैं रहूँगी और ये हूँ मैं सीमी। और यहाँ पर जेठ जी आए हैं भैया, ठीक है ना सुमार ने कर दी का सुमार ने लगा रहा है। इतना दिया क्या आएगा मैं भी ना सुमार नहीं भाई भाई खाए सूजी खाए तो भी खाए इतना पूरे जब खा ले इतना कहीं नकली ले बिस्कुट जब ये ही हो गए खाए कोई कमर ने कोई मैदा मां दे मां मुझे क्यों था करने के लिए मैं इतना चढ़ा के आ रहा हूं चढ़ा के हम ही नहीं ये क्या कर रहे हवा लगी सो हाँ हम समझे कि ना काफी सुंदर सिंचन बैठे छील ले तू बैठी है काम कर पापा का भी छील गिरी बहुत अरे तू गरम छुरी जाए लाल को ना मजा ये का जाए कहीं ना ना कोई कुछ कुछ जाए सजा सजा कुछ कुछ तीन होती जाए आह मैं मैं सजा छोड़ देती तुझे इसे साथ बच्चों यहाँ पर भैया आम का लकड़ी
तोड़ रहे हैं कल ले जाने के लिए, जो हम लोग चलेंगे विजयपुर धाम, इसी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है, देखिए सब्जी मैं बना दी हूँ कुकर में ही और इसको पलट दी, और इधर बन रही है दाल। अभी आम का चटनी पीसना बाकी है। और देखिए मेरी सासू माँ का घर, सारे कपड़े इधर, चेयर थे, बर्तन, डिब्बे, सब ऐसे ही इनका रखा हुआ है। मैं बोली कि मैं अच्छे से हटा के झाड़ू वाड़ू लगा दूँ, तो बोली नहीं मेरा सामान मत छू, सब इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि उनको याद नहीं रहता ना, थोड़ी बूढ़ी हो गई है, इसीलिए वो अपने हिसाब से अपना सब कुछ रखी हुई है। तो यहाँ एक तख्ता भी रखा हुआ है, तो खाना बनाते बनाते मैं यहाँ बैठ भी जाती हूँ नीचे से बैठे बैठे। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और अभी दोपहर को दीदी लोग भी आ जाएंगी, और फैन नहीं लगा है इसलिए बड़ी गर्मी हो रही है। मैंने यहाँ लाइट भी नहीं जलता ना, वीडियो बनाने के चक्कर में दाल बह जा रही है, तो थोड़ी देर बाद में फिर से ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। अभी अम्मा पूजा कर रही हैं, नहाने गई हैं, और मैं तब तक खाना बना दूं। अभी खाना वाना खा करके और सभी बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए, यहाँ पे सब पोछा वगैरह लगा के अच्छा कर दिया है, लेकिन मक्खियाँ बहुत लग रही हैं क्योंकि लाइट नहीं है ना, पंखा भी नहीं चल रहा, गर्मी का दिन आ गया है, इधर ठंडा रहता है इसलिए। और मेरी दीदी आ रही हैं अभी, अम्मा बोली चाय रख दो, फ़ोन की थी। मेरी छोटी दीदी का ससुराल बहुत ही नज़दीक है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। और सासू माँ का जिधर देखो उधर झोला झंडी सब टांगा हुआ है सब अपना सामान इधर उधर टांग वांग के रखती हैं। तो चलिए चाय में रख दूँ बनने के लिए। और यहाँ पर मैं ड्राई पॉट नहीं लाई हूँ ना, इसलिए अच्छे से वीडियो नहीं बन रहा, बच्चे इधर उधर घूम ही रहे हैं, वो तो मोबाइल पकड़ नहीं रहे हैं, हाथ ही से लेकर बनाना पड़ रहा है। तो चलिए पहले चाय बनाऊं मैं, अब चल रही हूँ मैं घर, यहाँ का हो गया काम, खाना वाना भी बना ली, खा ली, बच्चे भी खा लिए, थोड़ी देर रेस्ट भी कर ली, अब चल रही हूँ घर। यहाँ पे बिटिया रानी आई है, आ? रहो हम जा रहे हैं घर। कितना करो जिद्दा 5G हो गया बोलिया। हाँ बेटा 5G हो गया, वीडियो बना आओ, कोई बात नहीं, आओ चलना है कि नहीं, चलो बिट्टी चलो। अब हम लोग चल रहे हैं घर, तो देखिए ये है बारी और यहाँ से जाने का रास्ता है, ये है शॉर्टकट, यही कोली कोली हम लोग चलते हैं घर। तो आ गई हम लोग, पहुंच गए, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी ही दूर है, लेकिन फिर भी दूर है। बनवा फुल जाने भाई दूधारा साबुन लेना।
वैसे बहने लागे थे फुगा सुगा सोच के हां बहने रिश्ते बा चलो खाए सब दे आइसक्रीम मैं कहां बैठूं मेरा कुलचिया कहां गई ये तो बलती है हवा ऐसे निचोवा कर ले हमारे बैठ के बातचीत कर रहे थे तब से फिर मेरी ननद आ गई बारी में भैया फोन किए थे तो अब मैं चल रही हूँ बारी में। बेटा हुआ हंसते नहीं यहाँ देखो पलक को पलक चाय बन रहा माइक माइक ढेर गर्माता कौन आ रहा है यहाँ देखो शिवम आ गया है यहाँ सब चम भाग रहा है मोटाई गया है ना ठीक है अभी तबीयत ना चलो पेट में ठीक है ठीक है हर रखा है ना इंतजार ना करता है अब हम चुप बने हैं और चिल्लाई कैसे माय देखा था बड़ा ध्यान से देखा था अरे मोरी मैया माय लगाए फोटो डीपी देखो यहाँ पर मेरी ननद आ चुकी है चाय पानी वगैरह हो चुका है नहीं सॉरी चाय बन रहा है पानी वगैरह दे दी हूँ चलिए अब आपको दिखाती हूँ अम्मा का अंगूठा पैसा जो कल ले चलेंगी देखिए कितनी चांदी जमाने का 20 पैसा वाला देखिए हाई पैसा हाँ ये देखिए अंगूठा का पैसा है पुराने जमाने का 20 पैसा चवन्नी है ये अठन्नी है चवन्नी और अठन्नी ठीक बा ऐसे करो लाई मिठी आएगी चुनरी में याद बताइए फिर उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने धुला और बनारस में आदत है खड़े खड़े काम करने की यहाँ पर बैठ करके नहीं हो रहा था फिर भी कर ले रही थी बर्तन वगैरह मैंने धुल लिया और यहाँ पर सभी बच्चे वगैरह बैठे हैं ओए चलो सारे बच्चे बारी में आओ आओ एक जने कहा है कम है बच्चन दिखा है तो चलिए अब चल रही हूँ बारी में कुली कुली सी कुली कुली कुकर माजो हाँ सब बर्तन माजा तुम धोवा कहाँ है बच्चे भी आ गए एक झुंड लड़कियां हैं यार जब बड़ा हो जाएगी तो कुल लड़के नहीं लड़के हो जाएंगे।
और ये है शाम का टाइम, हम लोग सभी लोग आ गए हैं बारी में। दिन भर में 3-4 बार बारी में आना पड़ता है, फिर वहाँ से घर जाना पड़ता है। यहाँ पर सभी लोग फ्री थे तो सभी थोड़ा फोटो वगैरह खिंचवा लें सासू माँ के साथ, तो थोड़ा सा रील्स में बनाई और छोटे छोटे वीडियो फोटो भी बनाए यादगार के लिए, क्योंकि ऐसे पल जब रहता है। मम्मी नहीं आई हाय बाय करा थे ना दिना कते ना मैं इंस्टाग्राम पे मत जा जा इंस्टाग्राम पे ले जा के नहीं यूट्यूब पे मत जा। अब वो डाला था ना सुन है बात कर, हां वो दिना से ऊपर ना आता ना कहने मैं इंस्टाग्राम। यहां पर हम लोग मस्ती कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, फोटो वगैरह खींची, फिर चलेंगे घर। और आज एक चीज कहना है कि अपने गांव की पहली यूट्यूबर हूँ मैं जो ब्लॉगिंग करती है। 2018 से ही मैंने ये चैनल बनाया है, लेकिन अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ क्योंकि मैं इस पर रेगुलर नहीं थी। कभी ऐसे थोड़ा सा टाइम पास के लिए बना लेती थी, कभी नहीं, लेकिन अब मैं रेगुलर बनाती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोज़ में कमेंट जरूर किया कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। कल चलेंगे हम लोग विजयपुर।